शायद आपकी आंखों में पानी लगा दिया होगा, आपकी आंखों में पानी आ गया होगा, क्योंकि एक बहन एक भाई को जब अपना दुख सुनाती है तो भाई कुछ नहीं सुन पाता। अब डिवीजन हेड मोहम्मद आरिफ जी, आज मोहम्मद आरिफ जी का जन्मदिन है, तो आप लोग एक बार मोहम्मद आरिफ जी के जन्मदिन पे प्लीज उनके लिए वेल विशेस कीजिए। अ वेरी हैप्पी बर्थडे डियर सर। चाहती हूँ श्री सुंदरलाल सरपंच जी को, कृपया सर स्टेज पर आइए। ये सरपंच हैं हमारे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। वी आर वेरी ओब्लाइज्ड, वी आर वेरी थैंकफुल दैट यू टेक अ वेरी प्रेशियस टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल फॉर अस ओनली। आपने अपने इतनी कीमती समय में हमें थोड़ा सा वक्त दिया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दयाराम जी आए हैं, इनका भी जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत कीजिए। थैंक यू सर हमारे बीच में हमें बहुत कीमती समय देने के लिए, आपके हम सदा आभारी रहेंगे सर। थैंक यू सर। और अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री प्रदीप कुमार जो नौरंगपुर के सरपंच हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत कीजिए। ऑडियंस प्लीज आप जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत ही बिजी लोग हैं, ये अपना थोड़ा सा वक्त निकालकर हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए वक्त निकाल कर आए हैं। थैंक यू सो मच सर। और श्री धर्मवीर जी को जो वाटिका के प्रेसिडेंट हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत कीजिए। हम बहुत बहुत आभारी हैं इनके कि ये हमारे लिए अपना कीमती समय हमारे बच्चों के लिए इन्होंने निकाला। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस। प्रेसिडिंग ऑफिसर श्री जयसिंह यादव जी, वेलकम सर। डीएम मिस्टर दीपक सहरावत जी, वी वेलकम यू सर, अ वेरी हार्टली वेलकम टू यू। और मैं दोबारा एक बार कहना चाहूंगी कि स्टेट डिवीजन हेड मोहम्मद आरिफ जी का जन्मदिन है, सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑल द स्टाफ, टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। हम चाहते हैं सर कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो, आप बहुत सेहतमंद रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर सर। आज आपका जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर कोई भी हमेशा अपने लिए प्रोग्राम बनाता है, लेकिन आप हमारे लिए वक्त निकाल कर आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। प्लीज आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सर के लिए। अब बिना वक्त लेते हुए मैं नेक्स्ट एक्ट जो है एजुकेशन एक्ट, इसके लिए मंच पे बुलाना चाहूंगी। इसके लिए मंच पे बच्चों को बुलाना चाहूंगी कि ये बच्चे आए और इसके ऊपर आपके सामने थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखाएं। में दो लोगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सर्वप्रथम वे होते हैं जो हमारे जीवन का आधार हैं, जिनकी छाया में हमारा जीवन संवरता है, जो निस्वार्थ भावना की मूर्त होते हैं, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जन्मदाता की, हमारे माता पिता की। दूसरे हैं वो जो समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं एवं देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षकों की, हमारे गुरुजनों की। गुरु साक्षात
जानते हैं कि माता पिता और गुरु का स्थान बच्चों के जीवन में सर्वोपरि है, लेकिन हम में से कितने बच्चे हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं। चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ जहाँ एक गुरु अपने मन की बात हमारे समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके एक या दो बच्चे हैं और कभी कभार आप उनकी शरारतों पर झल्ला कर उन पर हाथ उठा देते हैं, तो जरा सोचिएगा कि एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को कैसे संभालता है। आप खुद टीवी या मोबाइल में व्यस्त हैं, आपका बच्चा आपके पास आता है, आप उस अधखिले फूल को झिड़क देते हैं, जाओ भागो पढ़ाई करो। जरा मन को शांत करके विचारिएगा कि एक शिक्षक किस तरह अलग अलग बुद्धि वाले और अलग अलग अभिरुचि वाले बच्चों को 45 मिनट तक एक सूत्र में बांध के रखता है अपनी कक्षा में। आपका बच्चा दिन भर गेम खेलता है, घर पर पढ़ता नहीं है, इसकी भी शिकायत आप शिक्षक से करते हैं। क्या करें, हमारा मुन्ना तो हमारी बात ही नहीं सुनता, जरा डराइए इसे। अरे भाई, बच्चे को डराना है तो उसे किसी बाघ के सामने ले जाओ। आप गुरूर गम्मा टाइप की बातें रखते हैं, पर कुछ पेरेंट्स, भगवान तो छोड़िए, शिक्षक को इंसान तक नहीं मानते। वे ये मानने को तैयार ही नहीं कि एक शिक्षक का व्यक्तिगत जीवन भी होता है, उसकी भावनाएं होती हैं, उसकी सीमाएं होती हैं। आपका बच्चा वो बच्चा जिसके लिए आपने मंदिरों और अस्पतालों के जाने कितने चक्कर काटे होंगे, अगर एक ही चीज 3 या 4 बार पूछ ले तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए कि एक शिक्षक किस धैर्य के साथ बताता है कि 3 + 1 और 1 + 3 दोनों बराबर होते हैं, भले ही ये एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं को समर्पित एवं सभी सम्मानित अभिभावकों को चिंतन करने हेतु प्रेषित है ये बात। हमने इस नृत्य नाटिका के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि विद्यार्थी जीवन में माता पिता और गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थी जीवन के सफल संतुलन हेतु जीवन रूपी तराजू के एक पलड़े में माता पिता हैं, तो दूसरे में गुरु। इसीलिए प्रत्येक बालक के उज्जवल भविष्य हेतु गुरु और माता पिता का योगदान आवश्यक है।